हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे आम डिस्कशन करवा कि इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू जहाँकि आप ओएसएससी एलटीआर एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ता सहित आप मानकर आमर जो एसएसडी सेवक सेविका एंड टीजीटी एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो, ता सहित ओएसएपी आईआरबी एग्जाम मध्ये इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची करंट अफेयर्स क्लास नंबर 8। एथरे आम डिस्कशन करिबो टोटल 35 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 35 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, एथरे आम मैक्सिमम क्वेश्चन अक्टोबर रो लेटेस्ट करंट अफेयर डिस्कशन करिबा, ता सहित किछि ओडिसा करंट अफेयर्स आउ किछि आपन मानकर अगस्ट एंड सेप्टेम्बर क्वेश्चन मध्ये देखिबा। तो आपने चाहिए आउट ऑफ 35 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाइबे। तो प्रथम क्वेश्चन से तो स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन ऑनर्ड विद द एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। से कहे 2024 एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रे काहाकु सम्मानित करा जायछि। तो किए सम्मानित होती, तो डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी जो मैंने जानते कमेंट बॉक्स में जनई पारे। तो सठिक उत्तर होगी ऑप्शन नंबर सी, एमके स्टालिन। एमके स्टालिन आप इमेज देखी पार्टी, इमेज आप जूम कर देखे दूसरी, ये होती आप एमके स्टालिन जेकि तमिलनाडुर सीएम मुख्यमंत्री अच्छा रिसेंटली एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में पुरस्कृत कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेयर एमंग द फॉलोइंग सादुल्ला बथुकम्मा फेस्टिवल हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। से कौच कौटी बा कौ स्टेट रे रिसेंटली सादुल्ला बथुकम्मा फेस्टिवल आमर सेलिब्रेट करा जायछि। एटा रिसेंटली अक्टोबर 11 तारीख रे आमर सेलिब्रेट करा जायछि। एटा कौ स्टेट रे ना तेलंगाना रे सेलिब्रेट करा जायछि आमर सादुल्ला बथुकम्मा। एटा आप मानकर होची आमर जो वर्तमान स्प्रिंग सीजन आसुची, तो आप मानकर कोन होची ना आमर बहुत गुडाए फुल आमर एटा हो फ्लोराल गोटे फेस्टिवल, बहुत विभिन्न प्रकार फुल आमर आसूसी से फुल को लेकिन फेस्टिवल होती। आप देखिपे इमेज फुल गुड़ा देखुं कमी सजाई रखा जाए फुल गुड़ाक। तो यहाँ हूँ फुलर गोटे फेस्टिवल, तो आपको कह जाए सादुल्ला बथुकम्मा फेस्टिवल। तो आप मे भी पचारिपे बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो बथुकम्मा खाली देव सादुल्ला देव चलो सादुल्ला ना बथुकम्मा फेस्टिवल पचारूँ आप आमर जी स्टेटिक जिके पचारूँ बथुकम्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ आमर तेलंगाना रे पालन करा जाए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच कम्युनिटी बिकम द सिक्स्थ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन ओडिशा। तो से कहते हैं आमर एफआरए माने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट एक्ट अंडर रे हैबिटेट राइट्स आप पाई अधिकार पाई रिसेंटली आमर ओडिशा रो को आमर ओडिशा रो को आमर कम्युनिटी बा को आदिवासी जाति को दिया आमर स्थानित करा जाय छी बा तांको इंक्लूड करा गला। तो आमर करेक्ट आंसर जीव मांकिडिया कम्युनिटी। एटा आमर मयूरभंज जिला, मयूरभंज जिले में मांकिडिया कम्युनिटी रही रिसेंटली आमर सिक्स्थ माने 6 नंबर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी माने बहुत रेयर जोटी माने से मानको बहुत शिक्षित और बहुत कम पचर अच्छा से मानको कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम अच्छी। तो सब माने से मानको आमर पीवीटीजी रे शामिल करा जाउछी। तो सिक्स्थ पीवीटीजी रिसेंटली मांकिडिया कम्युनिटी आमर हैबिटेट राइट्स अवार्ड पाई मयूरभंज जिले में बिलंग करछंती। मन एग्जाम पचारे कौ जिले में मांकिडिया आमर ट्राइबल ग्रुप देखा जाए, तो मांकिडिया ट्राइबल ग्रुप आमर रोज कौटी आमर मयूरभंज जिले में देखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द नेम ऑफ राज्य कौशल यूनिवर्सिटी विल बी चेंज टू रतन टाटास नेम। से कहे कौ स्टेट्र कौ राज्यर राज्य कौशल सॉरी कौशल नुह राज्य कौशल यूनिवर्सिटी कौ स्टेट्र राज्य कौशल यूनिवर्सिटी ना चेंज करके रतन टाटा नाम रखा। तो यहाँ आमर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन स्टेट ओन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। एग्जाम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहा, यहाँ आप
यही मस दिया रिसेंटली दि जाए तो आप भावन जो आप पूर्व 2023 रु नु यहाँ लाटेस्ट आम करेन्ट एफेयर्स ओडिशा करेन्ट एफेयर्स तो से कहे रिसेंटली आमर इन आमर जो फिफ्थ नेशनल वाटर आवार्ड दिगला 2023 फिफ्थ नेशनल वाटर आवार्डस दिगला से बेस्ट स्टेट हिसाब से फास्ट प्राइज विनर किए तो फास्ट प्राइज विनर होची ओडिशा ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर अमंग द फॉलोइंग हैज इंडिया इनॉग्रेटेड द फास्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स से कहे कौ जगार या भितर कौ सिटी रे इंडिया रो फास्ट डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर बायोपॉलीमर्स कौट इनॉग्रेट करागला कौ जगार ना महाराष्ट्र रो पुणे रे ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द रिमार्केबल सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 तो से कहे चंद्रयान 3 रो अभूतपूर्व सफलता पाई रिसेंटली IAF द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दि जाए किए पुरस्कृत होती पुरस्कृत होती किए ना आम चंद्रयान मिशन टीम तो से चीफ थे किए आम इसरो चीफ होती एस सोमनाथ को पुरस्कृत कर एस सोमनाथ होती इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रो चेयरपर्सन अच्छा तो मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज फ्लाइंग फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली फ्लाइंग फेस्टिवल आम सेलिब्रेट कर रिसेंटली यही अक्टोबर मस रे तो यहाँ कौ स्टेट रे पालन कर फ्लाइंग फेस्टिवल आम पालन करोटी ना आम हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी होच करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी सेंटर से कहे या भितर कौटा गोटे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी सेंटर घोषणा कला तो सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी सेंटर बनी आमर काजीरंगा नेशनल पार्क जो जोटा कि आप आसाम रे अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से कहे एम भर किए आमर MD बनुंचंती डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT रो MD मैनेजिंग डायरेक्टर बनुंचंती तो करेक्ट आंसर जो कौन हमर ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर आकाश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू एमंग द फॉलोइंग हैज ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024 से कहे 2024 रो फेमिना मिस इंडिया टाइटल विनर किए फेमिना मिस इंडिया टाइटल विनर होची 2024 रे से निकिता पोरवाल ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर निकिता पोरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर डिड इंडियन नेवीज फास्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्लीट ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट से कहे कौ जगार इंडियन नेवी फास्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्लीट हो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट तो करेक्ट आंसर होची मानामा ऑप्शन नंबर सी होच करेक्ट आंसर मानामा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट एट JSW स्पोर्ट्स से कहे JSW स्पोर्ट्स रे क्रिकेटर डायरेक्टर रूपे किए निजुक्ति होती डायरेक्टर रूपे से होती सौरभ गांगुली ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू हैज बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर DY चंद्रचूड़ तो वर्तमान आमर चीफ जस्टिस किए अच्छा वर्तमान आमर इंडिया फिफ्थ चीफ जस्टिस 50th मुख्य न्यायाधीश अच्छा किए ना आमर DY चंद्रचूड़ धनंजय DY फुल फॉर्म हो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ वर्तमान से वर्तमान तांकर कार्यकाल शेष हो नवेम्बर 10 रु रिटायर नौ तो जगार नवेम्बर 10 रु आम नुआ चीफ जस्टिस आसुंच ना कौन से पचार जहाँकि वर्तमान के 51st आम नुआ चीफ जस्टिस आसुंच किए ना से होती आमर कौन ना जस्टिस संजीव खाना मन रखिए आउ ये बेसी दिन नुह आंकर कार्यकाल खूब शीघ्र शेष हे ये नवेम्बर 10 रे आसवे नवेम्बर 10 रु तक कार्य स्टार्ट हे चीफ जस्टिस रूपे काम करेंगे मे 10, 2025 ओनली 6 मंथ आंकर कार्यकाल रहिबो नवेम्बर 10 रु ये आप नुआ चीफ जस्टिस बनिबे आमर जस्टिस संजीव खाना आउ मे 10, 2025 रे
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ ଆଉ ଥରେ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 52ତମ ଆସିବେ। ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଖାନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଏଜ୍ ଏ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। ସେ କହୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସରକାର ବା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ରିସେଣ୍ଟଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ମେଡାଲ ଡିଡ୍ ଗୁରୁପ୍ରୀତ ପାଲ ସିଂ ୱିନ୍ ଏଟ୍ ଦ ଏସିଓ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀସ୍। ଗ୍ରୀସ୍ରେ ଏସିଓ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୁରୁପ୍ରୀତ ପାଲ ସିଂ କେଉଁ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି? ଗୁରୁପ୍ରୀତ ପାଲ ସିଂ ଜିତିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ସ୍କିମ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଫୁଡ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଆମର ଏନ୍ସିଓର କରିବ, କ'ଣ କରିବ ନା ଫୁଡ୍ ସେକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବ ଆଉ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି, ସେମାନେ ନିଜେ ସଫିସିଏନ୍ସ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ଟା ଆସିଛି ଆମର, ଆସିଛି କେଉଁ ଯୋଜନା? କୃଷ୍ୟନ୍ନତି ଯୋଜନା, କୃଷ୍ୟନ୍ନତି ଯୋଜନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ବିକମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଟୁ ୱିନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଏଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଜୁନିୟର ଉଷୁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି କିଏ ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ ଜୁନିୟର ଉଷୁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆରିଆନ। ଆରିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ୱାର୍ଲଡ ଜୁନିୟର ଉଷୁ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ ରାଲି ୱିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ମାର୍କ ଦ 92nd ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବା ଆଇଏଏଫ୍ର 92ତମ ବାର୍ଷିକୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି, 92 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ। ତ ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ରାଲି, ଆମର କାର୍ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ କାର୍ ରାଲିର ନାଁ ପଚାରିଛି କ'ଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାୟୁବୀର ବିଜେତା, ବାୟୁବୀର ବିଜେତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଭିଲେଜ୍ ଓନ୍ ଦ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍ କାଟେଗୋରି ଏଟ୍ ଦ 2024 ବେଷ୍ଟ ଟୁରିଜମ୍ ଭିଲେଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଅନ୍ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେ। ସେ କହୁଛି ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯାଇଛି, ତ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଡେରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଟୁରିଜମ୍ ଭିଲେଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ବେଷ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନର ହେଇଛି ଦୁଧମାରସ ଭିଲେଜ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ହ୍ୟାଜ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଡ ଦ ଟ୍ରଫି ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ ଏଟ୍ ଆଇଫା 2024 ଫର୍ ହିଜ୍ ଫିଲ୍ମ ଯବାନ। ତ ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆମର IIFA ଦ୍ୱାରା 2024 ଆମର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। ତ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର? ଯବାନ ଫିଲ୍ମ କାହାର? ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ, ଶାହରୁଖ ଖାନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କନଫେର୍ ଦ ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2024। ସେ କହୁଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ରିସେଣ୍ଟଲି 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ଦେଶ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲଜେରିଆ। ଆଲଜେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଅନରାରୀ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଆଲଜେରିଆ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନ୍ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ସେ କହୁଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସର ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୂପେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା? ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୀଣ ବଶିଷ୍ଠ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍
3.5 billion US dollar deal with the acquire of 31 MQ-9B drones. से कोची जे इंडिया को देश सहित हमरो एग्रीमेंट साइन कर चंती 3.5 billion US dollar रो कौन पाई ना हमरो 31 MQ-9B ड्रोन किनिबा पाई 31 MQ-9B ड्रोन किनिया पाई इंडिया सरकार यूएस सहित अमेरिका सहित वर्तमान साइन डील कर चंती केते ना 3.5 बिलियन रो तो हमर ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु वाज रिसेंटली नेम्ड द नेशनल ब्रांड एंबेसडर ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. से कहछि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रो नेशनल ब्रांड एंबेसडर कहा को बना गला आमर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर रो नेशनल ब्रांड एंबेसडर बनी किए से होती रश्मिका मंदाना. आपण इमेज देखि परछन ये होती रश्मिका मंदाना तेलुगु एक्टर रश्मिका मंदाना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टोटल 35 क्वेश्चन रही आप समस्त क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा. तो फ्रेंड्स देखो करेंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट आप एग्जाम आपर करेंट अफेयर्स ही आपको मेरिट लिस्ट स्थान पाइब कहीं करेंट अफेयर्स समस्त टफ रोचे कहीं करेंट अफेयर्स को आमर बहुत आपण मान भास्ट टॉपिक से पिला बहुत इंटरेस्ट दौना. तो ये आप करेंट अफेयर्स भल स्कोर रखे तो आपने निहत आपको हेल्पफुल रोते जो आप रखुच्छे. एक्चुअली टे प्रोब्लम बेले बेले आप आप्लिकेसन हो जा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही देखो हु ओन सिल्वर मेडल इन ISSF वर्ल्ड कप मेन्स फाइनाल. से कहि आमर इंटरनेशनल सुटिंग रमर वर्ल्ड कप आम रिसेंटली होता तो से मेन्स फाइनाल किए सिल्वर मेडल पाई सिल्वर मेडल पाई किए से विवान कपूर विवान कपूर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन शोन इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा. हरियाणार नुआ मुख्यमंत्री रूपे किए शपथ ग्रहण करिसंती. हरियाणार नुआ चीफ मिनिस्टर बा मुख्यमंत्री रूपे शपथ ग्रहण करिसंती से होचंती किए नायब सिंह सैनी. ये होची तांकर सेकेंड टर्म द्वितीय थर पई आमर हरियाणार नुआ मुख्यमंत्री बनुछंती आ द्वितीय थर पई से मुख्यमंत्री बनुछंती नायब सिंह सैनी बीजेपी पार्टी रु बिलोंग करुछंती बीजेपी पार्टी रु बिलोंग करुछंती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन ओन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स. से कहि 70तम नेशनल फिल्म अवार्ड्स रे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किए जीति बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड विनर होती किए ना सी होती नित्या मेनन एंड मानसी पारेख. तो आम कौन हम ऑप्शन नंबर डी हो बोथ बी एंड सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द 2024 लता मंगेशकर अवार्ड. लता मंगेशकर अवार्ड 2024 क्या सम्मानित कर 2024 लता मंगेशकर अवार्ड पुरस्कार पुरस्कृत होती किए ना सी होती अनुराधा पौडाल अनुराधा पौडाल आउ लता दीनानाथ मंगेशकर यहाँ अलग से अमिताभ बच्चन पाई जे भी हूँ लता दीनानाथ मंगेशकर अलग यहाँ लता मंगेशकर अवार्ड लता मंगेशकर अवार्ड विनर होती आमर अनुराधा पौडाल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मालदीव्स एनवॉय टू इंडिया. से कहि इंडिया पाई मालदीव नुआ एनवॉय बा आंबासडर आसी ना कौन मालदीव नुआ आंबासडर आसी इंडिया पाई ना हूँ कौन ना हूँ ऐसत अजीमा ऐसत अजीमा ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप हु हैज ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022. से कहि जे 70तम नेशनल फिल्म अवार्ड्स रे बेस्ट एक्टर अवार्ड क्या दिगला 70तम नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह रे बेस्ट एक्टर अवार्ड दि जाए क्या ना सी होती ऋषभ सेट्टी ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर ऋषभ सेट्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन फिडे वर्ल्ड जूनियर गर्ल चेस चंपिशिप 2024. से कहि रिसेंटली फिडे वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चंपिशिप 2024 होता तार विनर किए तार विनर होती किए ना सी होती
दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर, दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, हु हैज कॉन्फेड विद द ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। से कोची रिसेंटली ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 रे कहाँ को सम्मानित करा जाइछि, तो करेक्ट आंसर जो कौन ना करेक्ट आंसर होची बेलायन सुबैया, बेलायन सुबैया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, हु हैज ओन द प्रेस्टिजियस गुडेल्पा हालिकेरी अवार्ड 2024। से कौन जे रिसेंटली किए प्रतिष्ठित गुडेल्पा हालिकेरी अवार्ड 2024 पुरस्कृत होती विजयी प्राप्त होती। तो आमर गुडेल्पा हालिकेरी अवार्ड 2024 विनर होती किए, सिद्धालिंगा पाटन सेटी, सिद्धालिंगा पाटन सेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवार्डेड विथ बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर इन एशिया पैसिफिक एरिया। से कौची एशिया पैसिफिक रीजन पाई रिसेंटली कौ संस्था बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड रे पुरस्कृत होई, तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड रे पुरस्कृत होई किए ना, सी होउछ हमर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी होउछ हमर सठिक उत्तर। तो ये थिला हमर टोटल 35 क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन कले, आप 35 रे केते स्कोर रखिछन्ति कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणाइबे। जदि भिडियो भल लागुछि ताले निहात गोटे लाइक करिवे, ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानकु निहत भावे शेयर करेंगे। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ और ऑल बेल आइकन क्लिक करूँ, जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय जगन्नाथ।